हेलो बच्चों, आज के क्लास पे हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स के कुछ न्यूमेरिकल्स को करेंगे। वैसे न्यूमेरिकल्स जो आईआईटी में पूछे गए हैं, एक न्यूमेरिकल तो यहाँ बोर्ड पर लिखा हुआ है। उसके अलावा मोल कॉन्सेप्ट में आगे के टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में जो सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़े थे उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स पर, ये क्वेश्चन जो यहाँ पर बोर्ड पर लिखा हुआ है ये आईआईटी में 2010 में पूछा गया है। मैं क्वेश्चन को समझा देता हूँ, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। तो किसी स्टूडेंट ने एक एक्सपेरिमेंट को तीन बार किया और तीन बार जब उसने एक्सपेरिमेंट किया तो उसे तीन रीडिंग मिले। तो जो तीन रीडिंग मिले हैं, पहला रीडिंग है 25.2 ml का, दूसरा रीडिंग है 25.25 ml का और तीसरा रीडिंग है 25.0 ml का। तो एक स्टूडेंट ने किसी एक्सपेरिमेंट को तीन बार किया है, उसे तीन रीडिंग मिले हैं। हम निकालना क्या है कि उस रीडिंग का जो एवरेज वैल्यू होगा, उस एवरेज वैल्यू में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो फिर से रिपीट करता हूँ, तीन एक्सपेरिमेंटल डाटा दे दिए गए, तीन एक्सपेरिमेंटल रीडिंग दिया गया है, उस रीडिंग के एवरेज वैल्यू में कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, हम लोग को क्या करना है, निकालना है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए स्टूडेंट परफॉर्म्स एन एक्सपेरिमेंट एंड फाइंड्स रीडिंग्स एज, वो रीडिंग को क्या क्या मिला उसे, तो 25.2 ml एक रीडिंग, दूसरा रीडिंग 25.25 ml, तीसरा रीडिंग 25.0 ml। निकालना क्या है, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो हम लोग चलते हैं, कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन को, कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो एवरेज वैल्यू पर हम लोग आ जाएं, एवरेज वैल्यू हम लोग का कितना आएगा, तो तीन रीडिंग है 25.2 ml प्लस 25.25 ml प्लस 25.0 ml डिवाइडेड बाय 3, यही हम लोग का एवरेज वैल्यू आएगा, एवरेज वैल्यू। लेकिन रूल्स को ध्यान में रखें, एडिशन के केस में जो फाइनल आंसर होना चाहिए उसमें लिस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए, और मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के केस में जो फाइनल आंसर होना चाहिए उसमें लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। तो न्यूमरेटर की बात करें तो हमें यहाँ पर न्यूमरेटर में ऐड करना है और उसके बाद फिर उसे हमें थ्री से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो पहले हम लोग एडिशन पर आते हैं। तो न्यूमरेटर को जो हम लोग ऐड करेंगे तो ऐड करने पर ये तीन वैल्यू को ऐड करने पर हम लोग का आएगा 75.45 डिवाइडेड बाई 3। लेकिन जरा हम लोग रूल्स पर ध्यान दें, ये जो फाइनल आंसर है न्यूमरेटर 75.45 आया, पहले मैं 3 को ढक देता हूँ। न्यूमरेटर जो ऐड किए हैं 75.45, इस फाइनल आंसर में डेसिमल प्लेसेस लिस्ट होने चाहिए। तो अगर हम लोग यहाँ बात करें इसमें, तो इसमें एक ही डेसिमल प्लेस है, इसमें दो डेसिमल प्लेसेस हैं और इसमें हम लोग का एक डेसिमल प्लेसेस है। तो फाइनल आंसर में एडिशन के केस में एक ही डेसिमल प्लेस होना चाहिए, तो आंसर 4 तक ही रहेगा। इसके बाद वाला डिजिट 5 के इक्वल है, तो इसके बाद वाला डिजिट 5 के इक्वल है तो प्रिसीडिंग डिजिट को 1 से इंक्रीज करते हैं, बशर्ते वो ऑड हो, लेकिन यहाँ तो इवन नंबर है तो इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। तो हम लोग का फाइनल आंसर 75.4 डिवाइडेड बाई 3 ml। अब नेक्स्ट आगे प्रोसीड करते हैं। तो न्यूमरेटर को जब ऐड करेंगे तो फाइनल आंसर न्यूमरेटर का कितना आएगा, 75.4 ml का आएगा। अब हमें यहाँ पर डिवीजन को परफॉर्म करना है, तो डिवीजन के केस में लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स देखते हैं। ये एक्सपेरिमेंटल रीडिंग, तीन रीडिंग थे ठीक है ना, उसी एक्सपेरिमेंट को तीन बार किया गया ठीक है ना, तो ये जो थ्री है, थ्री तीन बार एक्सपेरिमेंट को किया गया, तो ये एक एग्जैक्ट नंबर है और एग्जैक्ट नंबर में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। तो न्यूमरेटर की बात करें तो न्यूमरेटर में तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, डिनोमिनेटर में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो फाइनल आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, न्यूमरेटर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, ये न्यूमरेटर, इसमें तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। डिनोमिनेटर में कितने हैं, तो डिनोमिनेटर में इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, डिनोमिनेटर में इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स, न्यूमरेटर में थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं।
तो फाइनल आंसर में भी कितना होना चाहिए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होना चाहिए। तो ये कैलकुलेशन करने के बाद 25.133333 ऐसा जाएगा, ठीक है ना। लेकिन भाई फाइनल आंसर में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ठीक है ना। ये सब चले जाएंगे, ठीक है ना, ये सब चले जाएंगे। तो फाइनल आंसर कितना है, 25.1 मिलीलीटर। तो हम लोग का जो ये फाइनल आंसर है उसमें कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो देयरफॉर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इक्वल टू कितने, तो 3। यही हम लोग का क्या है, आंसर। चलिए ये क्वेश्चन अपने से फिर समझने के बाद इस क्वेश्चन को खुद से भी बनाना है, ठीक है ना, तभी क्वेश्चन समझ में आएगा, सॉल्यूशन समझ में आएगा। अगर अपने से इस क्वेश्चन को नहीं बनाएंगे तो इसका स्क्रीनशॉट लें, सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट लें और क्वेश्चंस को दोबारा अपने से बनाएं समझने के लिए। हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आईआईटी में ये जो क्वेश्चन पूछा गया है 2014 में, लेकिन अगर थोड़ा सा बोला जाए तो जो स्टूडेंट्स अभी 10th पास कर 11th में आए हैं उनके लिए क्वेश्चन बनाना अपने से थोड़ा डिफिकल्ट है। तो कुछ कॉन्सेप्ट मुझे यहाँ पर देना पड़ेगा इस क्वेश्चन को समझाने के लिए, बड़ा ध्यान से समझिएगा अभी जो चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन है तो बड़ा ही सिंपल, लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ वैसे टर्म्स हैं जो अभी हम लोग नहीं पढ़े हैं। फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में एक टर्म मिलेगा एवोगाड्रो नंबर। चलिए ये मानते हैं आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा स्कूल लेवल पर। दूसरा एक टर्म यहाँ दिया हुआ है बोल्ट्जमान कांस्टेंट। तीसरा एक यहाँ पर दिया हुआ है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो ये क्वेश्चन हम लोग तभी कर सकते हैं जब एवोगाड्रो नंबर, बोल्ट्जमान कांस्टेंट और एवोगाड्रो गैस कांस्टेंट के, सॉरी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के बीच में रिलेशन हम लोग को पता हो। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले इस क्वेश्चन के लिए जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आप लोगों को पहले बता देता हूं। कॉन्सेप्ट को समझिए, एवोगाड्रो नंबर, इसे हम लोग सिंबल में Na से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एवोगाड्रो नंबर को सिंबल में Na से रिप्रेजेंट करते हैं और एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू दे दिया गया है क्वेश्चन में, 6.022 × 10³ मोल इनवर्स। एवोगाड्रो नंबर के बारे में आज के क्लास में, इस वीडियो में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे आगे चलकर। तो हम लोग का एवोगाड्रो नंबर दिया हुआ है 6.022 × 10³ मोल इनवर्स, ये हम लोग का एवोगाड्रो नंबर दिया हुआ है। दूसरा हम लोग का है बोल्ट्जमान कांस्टेंट, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, इसको हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं। बोल्ट्जमान कांस्टेंट को सिंबल में के से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिपीट कर रहे हैं, एवोगाड्रो नंबर को सिंबल में Na से रिप्रेजेंट किया जाता है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट इसे सिंबल में हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं और बोल्ट्जमान कांस्टेंट का भी वैल्यू हम लोग का दिया हुआ है 1.380 × 10³-23। तो बोल्ट्जमान कांस्टेंट 1.380 × 10³-23 जूल पर केल्विन। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसे हम लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका वैल्यू दिया हुआ नहीं है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में कह क्या रहा है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर रहा हूँ। एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू दे दिया, बोल्ट्जमान कांस्टेंट का वैल्यू दे दिया, इन दोनों वैल्यू के हेल्प से, ठीक है ना, इन दोनों वैल्यू के हेल्प से हमें यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को कैलकुलेट करना है और उस कैलकुलेटेड वैल्यू में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हम लोग को बताना है। तो यहाँ पर एवोगाड्रो नंबर, बोल्ट्जमान कांस्टेंट और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के बीच में जो रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप मैं आप लोगों को बता देता हूँ। K इक्वल टू R डिवाइडेड बाई Na, बस ये फॉर्मूला हम लोग को चाहिए, ठीक है ना। ये फॉर्मूला आगे चलकर हम लोग मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे, ये आगे चलकर मोल कॉन्सेप्ट में इस फॉर्मूला को पढ़ेंगे। तो ये है K बोल्ट्जमान कांस्टेंट, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, Na एवोगाड्रो नंबर। ये 3 टर्म आपस में इस इक्वेशन से क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं।
तो k का वैल्यू दे दिया है, na का वैल्यू दे दिया है, k और na के वैल्यू के हेल्प से हम लोग r को क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो उस कैलकुलेटेड वैल्यू में कितने सिग्निफिकेंट फिगर से हम लोग को निकालना है। तो ये था क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट। अब मैं क्वेश्चंस को पढ़ता हूँ, आप लोगों को अच्छे से भली भांति अब क्वेश्चन समझ में आएगा, लेकिन यहाँ पर ध्यान दे दीजिए, ठीक है ना। एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू दे दिया, बोल्ट्जमान कांस्टेंट का वैल्यू दे दिया, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का कैलकुलेटेड वैल्यू निकालना है और कितने सिग्निफिकेंट फिगर से वो बताना है। तो एवोगाड्रो नंबर, बोल्ट्जमान कांस्टेंट और आर इस इक्वेशन से रिलेटेड होते हैं। इसी इक्वेशन का हेल्प कर हम लोग क्या निकालेंगे, आर निकालेंगे। क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द वैल्यू ऑफ एवोगाड्रो नंबर इज, एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू कितना, 6.022 × 10³ मोल इनवर्स, एंड द वैल्यू ऑफ बोल्ट्जमान कांस्टेंट इज, बोल्ट्जमान कांस्टेंट के का वैल्यू दे रहा है 1.380 × 10⁻²³ जूल पर केल्विन, देन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो निकालना है, इन द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के कैलकुलेटेड वैल्यू में। उम्मीद करता हूं आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब हम लोग क्वेश्चंस को बनाते हैं, मैं इधर मिटा दे रहा हूं, बाकी उधर सारा डाटा लिखा हुआ है। एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू दे दिया है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट का वैल्यू दे दिया है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का वैल्यू हम लोग को निकालना है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर ये कॉन्सेप्ट, ये फॉर्मूला अगर हम लोग को पता रहे तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। और जरा भी टेंशन नहीं लेना है, इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा डिटेल से आगे हम लोग मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ने वाले हैं। तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा हम लोग का, K इंटू एन ए, कैलकुलेटेड वैल्यू। डाटा पुट करते हैं, K 1.380 × 10⁻², एन ए 6.022 × 10³। ये यूनिट आ जाएगा जूल पर मोल केल्विन, जूल पर मोल केल्विन। तो R इक्वल टू 1.380 × 6.022, और ये 10⁻², 10⁻+23 ये कैंसल आउट होकर कितने हो जाएंगे, 1। तो ये हम लोग आ रहा है जूल पर मोल केल्विन, जूल पर मोल केल्विन। तो थोड़ा ध्यान दें, ठीक है ना, हम लोग यहाँ पर ध्यान दें, ये साइंटिफिक नोटेशन है, ये भी हम लोग का साइंटिफिक नोटेशन है। साइंटिफिक नोटेशन में सिग्निफिकेंट फिगर्स किससे निकालते हैं, न्यूमेरिकल पार्ट से निकालते हैं। तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। यहाँ भी ये जो न्यूमेरिकल पार्ट है इसमें भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो मल्टीप्लीकेशन के केस में हम लोग का रूल क्या है, मल्टीप्लीकेशन के केस में फाइनल आंसर में लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। तो यहाँ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, यहाँ भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो फाइनल आंसर में भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए, तो 3 ही होने चाहिए। तो देयरफॉर फाइनल आंसर शुड हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, फाइनल आंसर में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होना चाहिए। इसको कैलकुलेट कीजिए, हालांकि कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें ये नहीं पूछ रहा था कि R का वैल्यू कितना होगा, हमसे क्वेश्चन बस ये पूछ रहा है कि R का जो कैलकुलेटेड वैल्यू होगा उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। हम लोग को क्लियर है भाई, यहाँ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, यहाँ भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो फाइनल आंसर में लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। तो फाइनल आंसर में भी कितने होंगे, तो 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, आंसर आ चुका है। लेकिन अगर इस वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट करें, फाइनल आंसर लिखें, तो ये हम लोग का आएगा 8.314 जूल पर मोल केल्विन। चलिए, तो ये था हम लोग का सिग्निफिकेंट फिगर्स का के बारे में पूरा डिटेल, सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये टॉपिक हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग न्यू टॉपिक पर आते हैं, हम लोग के आगे का टॉपिक एवोगाड्रो नंबर, ये सब मिलेगा, मोल मिलेगा, एटॉमिक मास यूनिट मिलेगा। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, मोल क्या होता है, 1 मोल में कितने नंबर होते हैं, ये सब स्कूल लेवल पर पढ़ा हुआ तो है, लेकिन वो स्कूल लेवल की बातें हैं। अब हम लोग यहाँ पर मोल, एवोगाड्रो नंबर, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक वेट, मोलिकुलर वेट, इन सब टॉपिक के जो डेप्थ में जाएंगे, ठीक है ना, वो डेप्थ हम लोग का काफ़ी ज़्यादा डिटेल में होगा।
तो मोल ये सब जो स्कूल लेवल पर हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, वो तो सही है, वो एक बेसिक फंडामेंटल है, लेकिन हम लोग यहाँ पर और भी ज़्यादा डिटेल में जाने वाले हैं। हम लोग आते हैं मोल के डिफिनीशन पर कि मोल को IUPAC ने कैसे डिफाइन किया गया। सबसे पहला पॉइंट, मोल का ये जो डिफिनीशन यहाँ पर बताया जा रहा है, ये डिफिनीशन IUPAC ने दिया। IUPAC ने मोल को कैसे डिफाइन किया है, फर्स्ट पॉइंट, मोल को डिफाइन करने के लिए IUPAC ने C12 आइसोटोप का रेफरेंस लिया है। तो पहले एक एक कर पॉइंट को याद करते चले। मोल को डिफाइन करने के लिए IUPAC ने किसका रेफरेंस लिया, C12 आइसोटोप का रेफरेंस लिया। C12 आइसोटोप्स का एग्जैक्टली 12 ग्राम का सैंपल उन्होंने लिया और डिफाइन कैसे किया, C12 आइसोटोप के एग्जैक्टली 12 ग्राम में जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उसी नंबर को 1 मोल बोला गया। तो डिफिनेशन को मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मोल को डिफाइन करने के लिए IUPAC ने रेफरेंस C12 आइसोटोप का लिया। C12 आइसोटोप का कितना ग्राम लिया, तो 12 ग्राम लिया, और C12 आइसोटोप के 12 ग्राम में जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उसी नंबर को क्या बोला गया, तो 1 मोल बोला गया। तो डिफिनेशन को मैं यहां पर लिखता हूं, इट इज नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप। तो कार्बन के कई आइसोटोप्स होते हैं, हम लोग आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन से सबके बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। कार्बन के कई आइसोटोप्स होते हैं, C11, C12, C13, C14, तो ध्यान रखना है। मोल को डिफाइन करने के लिए IUPAC ने कौन से आइसोटोप्स को चूज़ किया है, तो C12 को चूज़ किया है। C12 आइसोटोप का एग्जैक्टली 12 ग्राम लेने पर जितने नंबर ऑफ एटम्स उसमें पाए जाते हैं उसी नंबर को 1 मोल बोला जाता है। तो अब बात ये आती है कि जब C12 का हम लोग 12 ग्राम लेंगे और 12 ग्राम लेकर जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसमें कितने एटम्स हम लोग को मिलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं रिपीट कर रहा हूँ, C12 का 12 ग्राम लिए, एक्सपेरिमेंट किए और एक्सपेरिमेंट करने पर 12 ग्राम में कितने एटम्स मिलेंगे, तो उस एक्सपेरिमेंट पर हम लोग आते हैं। एक्सपेरिमेंटली नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप। C12 आइसोटोप के 12 ग्राम में एक्सपेरिमेंट करने पर हमें नंबर ऑफ एटम्स कितने मिलते हैं, तो 6.022 × 10³। तो ये जो डाटा मिला है एक्सपेरिमेंट से मिला है कि C12 आइसोटोप का एग्जैक्टली 12 ग्राम लिए, एक्सपेरिमेंट किए तो एक्सपेरिमेंट करने पर इतने नंबर ऑफ एटम्स पाए गए, और IUPAC ने क्या बोला कि 12 ग्राम में जितने नंबर ऑफ एटम्स है उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, तो 1 मोल बोल रहे हैं। तो हम लोग का 1 मोल इक्वल टू 6.022 × 10³। तो 1 मोल में जो नंबर हुआ, 1 मोल में नंबर कितना हो गया, तो 6.022 × 10³। तो अब इसी को थोड़ा डिटेल से ध्यान से समझना है हम लोगों को। 1 मोल किसी भी स्पेसीज का नाम ले लें, वन मोल उसमें नंबर कितने होने चाहिए, तो 6.022 × 10³। इसको हम लोग समझते हैं। जैसे मान लिया जाए कि बोला जाए पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन 1 मोल के बराबर है, तो अगर हम लोग बोलते हैं पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन 1 मोल के बराबर है, तो इसके मतलब वर्ल्ड की पॉपुलेशन, विश्व की जनसंख्या कितनी है, तो 6.022 × 10³ है। वैसे ही कुछ और नाम लेते हैं, बोला जाए कि ये जो मैंने पेन ले रखा है, ऐसे बोल दे कि मेरे पास 1 मोल पेन है, तो अगर 1 मोल पेन मैंने बोला तो उसमें पेन की संख्या कितनी हो गई, 6.022 × 10³। कहने का मतलब क्या हुआ,
वन मोल कुछ भी बोला जाए उसमें नंबर कितने होंगे, तो 6.022 × 10³। तो मैं इसको और फर्दर ऐसे लिखता हूं, वन मोल स्पेसिस, वन मोल स्पेसिस, किसी भी स्पेसिस का नाम ले लें, पेन, पेंसिल, क्वाइंस, एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, तो वन मोल जब भी बोलेंगे तो उसमें कितने नंबर होंगे, तो 6.022 × 10³। ये बिल्कुल याद कर लेना है हम लोगों को, वन मोल में कितने नंबर होते हैं, तो 6.022 × 10³। कुछ और स्पेसिस का नाम लें, बोला जाए कि वन मोल क्वाइन, तो कितने क्वाइंस हो जाएंगे, तो 6.022 × 10³ क्वाइंस। बोला जाए कि वन मोल हम लोग का रबर, तो कितने रबर हो जाएंगे, तो 6.022 × 10³। मतलब वन मोल कुछ भी बोले उसमें जो संख्या होगी, वन मोल में जो नंबर होगा वो 6.022 × 10³ होगा। लेकिन हम लोग यहाँ पर केमिस्ट्री में पेन, पेंसिल, रबर और क्वाइंस की तो बात करेंगे नहीं, यहाँ पर केमिस्ट्री में हम लोग बात करेंगे एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयन्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। तो चाहे वन मोल इलेक्ट्रॉन बोला जाए, वन मोल प्रोटॉन बोला जाए, वन मोल एटम्स बोले जाए, उसमें नंबर कितना होगा, तो 6.022 × 10³। अब ये डिफिनीशन को मैं मिटा नहीं रहा हूँ, कुछ यूज आएगा डिफिनीशन का, हाँ ये पार्ट मैं मिटा दे रहा हूँ, सॉरी अभी इसको भी रहने देता हूँ, इधर ही मैं लिखता हूँ वन मोल एटम। मोल को हम लोग शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, तो MOL कर भी लिखते हैं, लास्ट में E को हटा देते हैं, सिंपली शॉर्ट में वन मोल एटम, तो 6.022 × 10³ एटम्स। वन मोल आयन, तो 6.022 × 10³ आयन्स। वन मोल इलेक्ट्रॉन, 6.022 × 10³ इलेक्ट्रॉन्स। वैसे ही वन मोल कुछ भी नाम लिए, तो हम लोग केमिस्ट्री से लिखे हैं वन मोल एटम, वन मोल आयन, वन मोल इलेक्ट्रॉन, वैसे लिखे हैं वन मोल मॉलिक्यूल, वन मोल प्रोटॉन, वन मोल न्यूट्रॉन, नंबर कितने हो जाएंगे, तो 6.022 × 10³। चलिए मैं इसको मिटाता हूँ, जरूरत पड़ेगा तो दोबारा इसको लिखेंगे हम लोग। वन मोल मॉलिक्यूल, वन मोल मॉलिक्यूल 6.022 × 10³ मॉलिक्यूल्स, 23 मॉलिक्यूल्स। वन मोल प्रोटॉन, वन मोल प्रोटॉन 6.022 × 10³ प्रोटॉन्स, 23 प्रोटॉन्स। थोड़ा केमिस्ट्री से हटकर बात करें, बोला जाए वन मोल क्वाइंस, वन मोल क्वाइन, तो चाहे वन मोल किसी भी स्पेसिस का नंबर ले, चाहे वो केमिस्ट्री से रिलेटेड हो या केमिस्ट्री से बाहर का हो, वन मोल में जो नंबर या संख्या होगी कितनी होगी, तो 6.022 × 10³। तो ये वन मोल क्वाइन का है, तो यहाँ पर इतने क्या हो जाएंगे, क्वाइंस हो जाएंगे। चलते हैं कॉन्सेप्ट को और भी डिटेल से समझते हैं। अब वन मोल में ये जो नंबर है, वन मोल में ये नंबर 6.022 × 10³, सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो ध्यान में रखना है, ये नंबर फिक्स नहीं है, नॉट ए फिक्स नंबर। इसको ये मत सोच लेना है कि ये हमेशा फिक्स ही होगा, कैसे, तो समझिए ये नंबर कहाँ से आया, तो रेफरेंस लिया गया C12 का, कितने ग्राम लिया गया, तो 12 ग्राम लिया गया। अगर IUPAC डिफिनीशन को चेंज कर दे तो वन मोल का ये वैल्यू भी क्या हो जाएगा, हम लोग का चेंज हो जाएगा। डिफिनीशन को याद करें, IUPAC ने डिफिनीशन क्या दिया था, C12 के 12 ग्राम में जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उसी को वन मोल कहते हैं। अगर IUPAC डिफिनीशन बदले, बोले कि C12 के 24 ग्राम में जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे उसी को वन मोल बोलेंगे, तो क्या वैल्यू यही रहेगा या चेंज हो जाएगा। तो मैं इसको मिटाता हूं और दोबारा वापस हम लोग आते हैं डिफिनीशन पर, जो डिफिनीशन दिया गया था।
अब बड़ा ही ध्यान से समझिएगा, IUPAC ने तो डिफिनेशन ये दिया, C12 के 12 ग्राम में जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 मोल कहते हैं। तो शॉर्ट में IUPAC का डिफिनेशन यहां पर लिख दिया गया है, 1 मोल इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ C12। और C12 का 12 ग्राम लेकर जब हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया तो इतने एटम्स मिले। अगर डिफिनेशन को चेंज कर दें तो 1 मोल का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल बोला जाए, ठीक है ना, IUPAC ने डिफिनेशन को चेंज किया, बोला कि भाई 1 मोल जो होगा वो नंबर ऑफ एटम्स इन 24 ग्राम ऑफ C12। IUPAC ने नया डिफिनेशन दे दिया कि C12 के 24 ग्राम में जितने नंबर ऑफ एटम्स है उसी को 1 मोल कहेंगे। तो क्या वैल्यू यही रहेगी या बदल जाएगी? भाई 12 ग्राम में इतने एटम्स थे, 12 ग्राम में 12 ग्राम में इतने एटम्स, तो 24 ग्राम में कितने एटम्स हो जाएंगे, डबल। तो 1 मोल का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो सीधे डबल हो जाएगा, 12.044 × 10³। तो ये पॉइंट बिल्कुल ध्यान में रखना है, 1 मोल इक्वल टू 6.022 × 10³ होता है, लेकिन तब जब रेफरेंस C12 का लिया गया है और उसका कितना ग्राम लिया गया है, 12 ग्राम। अगर रेफरेंस चेंज हुआ या 12 ग्राम चेंज हुआ तो 1 मोल की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट हम लोग को अभी से लेकर चलना है, ये नहीं कि बिल्कुल स्कूल लेवल से जो याद रखे हुए हैं कि 1 मोल बराबर तो हमेशा ऑलवेज 6.022 × 10³ होता है। और साइंस में याद रखिए, डिफिनीसन आज से 100 साल पहले का डिफिनीसन और आज का डिफिनीसन में क्या है, बहुत ही ड्रास्टिक चेंजेस मिलते हैं। तो 1 मोल का वैल्यू फिक्स नहीं है, 1 मोल बराबर 6.022 × 10³ ये तब होगा जब रेफरेंस किसका, C12 का, कितना ग्राम, 12 ग्राम। एक एग्जांपल नीचे में दिया गया है, अगर हम लोगों ने रेफरेंस चेंज किया या ग्राम चेंज कर दिया, फॉर एग्जांपल C12 का 24 ग्राम लिया गया, ठीक है ना, और बोला जा रहा है कि इस 24 ग्राम में जितने नंबर ऑफ एटम्स है उसी नंबर को 1 मोल कह रहा है, तो 1 मोल बराबर कितना आ जाएगा, 12.044 × 10³। मोल को और अच्छे से हम लोग समझते हैं, अगर हम लोग 1 डोजन बोले तो 1 डोजन में कितने नंबर होते हैं, 12 नंबर होते हैं, ठीक है ना, एक दर्जन 12। अब बोले कि एक दर्जन पेन, तो एक दर्जन पेन कितने पेन, 12 पेन। एक दर्जन आम कितने आम, 12 आम। एक दर्जन केला कितने केला, 12 केला। तो ये तो हुआ केमिस्ट्री से हटकर बातें, अब इसी को एटम पर, केमिस्ट्री पर अप्लाई करें। बोला जाए एक दर्जन ऑक्सीजन का एटम, तो ऑक्सीजन के 12 एटम हो गए। एक दर्जन बोला जाए मॉलिक्यूल, तो कितने मॉलिक्यूल, 12 मॉलिक्यूल। एक दर्जन बोला जाए इलेक्ट्रॉन, एक दर्जन प्रोटॉन, एक दर्जन न्यूट्रॉन, एक दर्जन आयन। तो 1 डोजन कुछ भी बोले, 1 डोजन कुछ भी बोले, उसमें नंबर कितना होता है, 12 होता है। एक दर्जन पेन, पेंसिल, रबर, क्वाइंस, या एक दर्जन एटम, मॉलिक्यूल, आयन्स, कुछ भी बोला जाए, एक दर्जन जैसे ही बोलते हैं नंबर 12 होता है। तो बिल्कुल वैसे ही 1 मोल कुछ भी बोले, 1 मोल किसी का भी नाम ले लें तो 1 मोल ये कितना नंबर, तो 6.022 × 10³ होता है। तो हमेशा ध्यान में रखना है, मोल एक काउंटिंग यूनिट होता है और ये SI काउंटिंग यूनिट में भी फंडामेंटल, बिल्कुल बेसिक SI हम लोग का काउंटिंग यूनिट है। तो मोल इज ए, मोल इज ए फंडामेंटल SI काउंटिंग यूनिट, मोल इज ए फंडामेंटल SI काउंटिंग यूनिट। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर जाने से पहले मोल के बारे में जो जो पढ़े हैं उसको हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लें, ठीक है ना, थोड़ा रिवाइज कर लें। पहला पॉइंट, मोल को डिफाइन करने के लिए IUPAC ने रेफरेंस किसका लिया है, C12 का लिया है। C12 के कितने ग्राम का लिया, तो 12 ग्राम का लिया है। कैसे डिफाइन किया उन्होंने, तो C12 के 12 ग्राम में जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उसी को क्या बोला जाता है, 1 मोल बोला जाता है। अब दूसरा पॉइंट, अगर हम लोग का डिफिनीसन चेंज हुआ तो मोल का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन अभी हम लोग बात करते हैं अपने जो डिफिनीसन IUPAC ने दिया, C12 का 12 ग्राम लेने पर जब हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक्सपेरिमेंट से कितने एटम पाते हैं, तो 6.022 × 10³।
तो देयर फोर वन मोल बराबर कितना हो गया हम लोग का 6.022 × 10³। हमेशा ध्यान रखना है वन मोल कुछ भी बोले, वन मोल एटम बोला जाए, मॉलिक्यूल बोला जाए, इलेक्ट्रॉन्स बोला जाए, प्रोटॉन्स बोला जाए, वन मोल कुछ भी बोला जाए उसमें नंबर कितना मिलेगा, तो 6.022 × 10³, बशर्ते डिफिनीशन को चेंज ना किया गया हो। तो जिस तरीके से हम लोग दर्जन को ट्रीट करते हैं, एक दर्जन 12, तो एक दर्जन कुछ भी बोलते हैं, चाहे एक दर्जन एटम बोले, मॉलिक्यूल बोले, इलेक्ट्रॉन्स बोले, प्रोटॉन्स बोले, नंबर कितना होता है उसमें 12 होता है, वैसे ही वन मोल कुछ भी बोला जाए नंबर कितना होगा, तो 6.022 × 10³। और मोल के बारे में याद रखना है ये हम लोग का फंडामेंटल SI काउंटिंग यूनिट होता है। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, एवोगाड्रो नंबर। अभी हम लोग मोल के बारे में पढ़े थे, वन मोल में कितना नंबर होता है, तो वन मोल में हम लोग का होता है 6.022 × 10³। तो वन मोल में जितना भी नंबर होता है इसी नंबर का एक स्पेशल नाम दिया गया है, एक स्पेशल नेम दिया गया इस नंबर को, इस नंबर को एक स्पेशल नेम दिया गया इनके रेस्पेक्ट में। एवोगाड्रो एक साइंटिस्ट का नाम था, तो इन साइंटिस्ट के रेस्पेक्ट में या सम्मान में वन मोल में जो भी नंबर होता है उसका एक स्पेशल नाम लिखा गया, स्पेशल नेम दिया गया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एवोगाड्रो नंबर। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, वन मोल में जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं उस नंबर को एक स्पेशल नेम दिया गया, किनके, तो एवोगाड्रो के रेस्पेक्ट में, इनके सम्मान में, और इसी नंबर का स्पेशल नाम क्या दिया गया, तो एवोगाड्रो नंबर। तो इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन वन मोल। एक मोल में जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उसी को एक स्पेशल नाम दिया गया है, इनके रेस्पेक्ट में, सम्मान में, क्या, तो एवोगाड्रो नंबर। तो देयर फोर एवोगाड्रो नंबर इक्वल टू 6.022 × 10³। और ध्यान रखना है ये नंबर कितने मोल में है, एक मोल में है, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं पर मोल। तो हमेशा ध्यान रखना है एवोगाड्रो नंबर का यूनिट होता है पर मोल या मोल इनवर्स, 6.022 × 10³ मोल इनवर्स। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक मोल में जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उसी नंबर को एक स्पेशल नाम दिया गया, एवोगाड्रो नंबर बोला गया, इन साइंटिस्ट के रेस्पेक्ट में या इनके सम्मान में ये नाम रखा गया। तो वन मोल में ये नंबर होता है इसी कारण से यहाँ पर क्या लिखा गया है, पर मोल। तो हमेशा ध्यान रखना है एवोगाड्रो कांस्टेंट या एवोगाड्रो नंबर का यूनिट होता है, तो यूनिट ऑफ एने, एवोगाड्रो नंबर का यूनिट क्या होता है, तो मोल इनवर्स होता है। एवोगाड्रो नंबर का यूनिट मोल इनवर्स। अब यहाँ पर हम लोग को थोड़ा सा न्यूमेरिकल पोर्शन पर जाना है। न्यूमेरिकल पोर्शन पर जाने से पहले कुछ चीज़ों को जरा अच्छे से समझें। मैं एक छोटा सा कैलकुलेशन आपको दूं, कुछ नंबर दूं और बोले कि इस नंबर को आप दर्जन में कन्वर्ट कीजिए। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं यहाँ पर नंबर्स देता हूँ, बोला जाए कि 100 पेंस या 10⁶ क्वाइंस, ऐसे नंबर दे दिए, या फिर बोला जाए 2000 एटम्स। अलग अलग स्पेसिस का नंबर है, ये स्पेसिस यहाँ पर पेन है, यहाँ पर स्पेसिस क्वाइंस है, यहाँ पर स्पेसिस एटम्स हैं, तो अलग अलग डिफरेंट स्पेसिस का नंबर दिया गया। हमें पूछा जा रहा है कि 100 पेन्स इसमें कितने दर्जन पेन होंगे, तो क्या करेंगे हम लोग, 100 को 12 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 10⁶ क्वाइंस पूछा जाए कि इतने क्वाइन इसमें कितने दर्जन क्वाइन है, तो क्या करेंगे, 10⁶ को 12 से डिवाइड कर देंगे।
और 2000 एटम्स इसको दर्जन में कन्वर्ट करना हो तो 2000 को कितने से डिवाइड करेंगे, 12 से। मतलब किसी भी नंबर को दर्जन में कन्वर्ट करना हो तो उसे 12 से डिवाइड करेंगे। क्यों 12 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक दर्जन में कितना होता है, 12 होता है। तो बिल्कुल वैसे ही बताइए, एक दर्जन में 12 होता है, ठीक है, और एक मोल में कितना होता है, 6.022 × 10³। कॉन्सेप्ट को समझना है, एक दर्जन में 12 होता है। अगर किसी भी नंबर को, यहाँ तीन नंबर दिए गए थे अलग अलग स्पेसिस के, इन सबको हम लोगों ने दर्जन में कन्वर्ट किया तो कितने से डिवाइड किया, 12 से डिवाइड किया। क्यों 12 से डिवाइड किया, क्योंकि एक दर्जन में कितने होते हैं, 12 होते हैं। लेकिन अगर किसी नंबर को मोल में कन्वर्ट करना होगा तो कितने से डिवाइड करेंगे, तो हम लोग डिवाइड करेंगे 6.022 × 10³ से डिवाइड करेंगे। क्यों, क्योंकि एक मोल में कितना होता है, तो 6.022 × 10³। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, दर्जन में कन्वर्ट करना है, 12 से डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि एक दर्जन में 12 होता है। वैसे ही मोल में अगर कन्वर्ट करना है तो कितने से डिवाइड करेंगे, तो 6.022 × 10³ से। क्यों, क्योंकि एक मोल में कितना होता है, तो 6.022 × 10³। तो हम लोग के लिए सामने एक फॉर्मूला आ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाई 6.022 × 10³। और ऐसे ही नंबर ऑफ डोजन बोला जाए, कितने दर्जन, तो कैसे हम लोग निकाल रहे थे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाई 12। तो जरा नीचे वाले फॉर्मूला ऊपर वाले फॉर्मूला को मैच करें, पार्टिकल का या किसी स्पेसिस का नंबर दिया हुआ है, 12 से डिवाइड कर देंगे, दर्जन में मिल जाएगा, ठीक है ना। वैसे ही किसी भी पार्टिकल का नंबर दिया हुआ है, 6.022 × 10³ से डिवाइड करेंगे, क्या मिल जाएगा, मोल मिल जाएगा। तो हम लोग अपने फॉर्मूला पर आते हैं, केमिस्ट्री के फॉर्मूला पर। दर्जन हम लोग पहले से जानते हैं निकालना, इसकी ज़रूरत हमें नहीं है। अब इसी को हम लोग शॉर्ट में लिखें, इस फॉर्मूला को हम लोग शॉर्ट में लिखें, तो भाई ये 6.022 × 10³ इसे हम लोग सिंबल में कैसे लिखते हैं, तो एन ए से लिखते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स का सिंबल स्मॉल से, ये कैपिटल एन डिवाइडेड बाई एन ए, यहाँ पर ये मेंशन कर दिया जा रहा है, ये स्मॉल एन, ये सिंबल किसका है, तो नंबर ऑफ मोल्स का सिंबल है। स्मॉल एन सिंबल नंबर ऑफ मोल्स का है, कैपिटल एन ये सिंबल किसका है, तो ये हम लोग का नंबर ऑफ पार्टिकल्स का सिंबल है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का सिंबल है। तो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, बड़ा ही इम्पॉर्टेंट और बड़ा ही फंडामेंटल फार्मूला है। ये फार्मूला हम लोग के दिमाग में बिल्कुल कंठस्थ हो जाना चाहिए। अब इसी फार्मूला को दूसरे फॉर्म में लेकर चलें, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बराबर क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगाड्रो नंबर, नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगाड्रो नंबर। चलते हैं, इस फार्मूला का हम लोग थोड़ा सा एक सिंपल सा यूज़ करते हैं। हमें यहाँ पर 100 एटम्स दिए गए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स एटम्स हैं। सेकंड एग्जांपल 10^6 आयंस दिए गए। थर्ड एग्जांपल 10^5 इलेक्ट्रॉन्स दिए गए। अब ये जो नंबर दिए गए हैं, इनको हमें मोल में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, मोल में कन्वर्ट करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे। तो 100 को डिवाइड करेंगे एवोगाड्रो नंबर से, सिंबल में लिख देते हैं एन ए, इतना मोल हुआ। फिर यहाँ पर हम लोग चले, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स 10^6 उसको एवोगाड्रो नंबर से हम लोगों ने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ये भी मोल आ गया। यहाँ पर हम लोग चले नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स 10^5 डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर, ये डिवाइड तो कर दिए, मोल आ तो गया, लेकिन बड़ा ही केयरफुली ये सब पकड़ना है। ये नंबर एटम का है तो ये मोल भी एटम का होगा, ये नहीं, नंबर एटम का मोल आयन का नहीं होगा, ये बेसिक डिफरेंस ध्यान रखना है। ये नंबर आयन का है तो ये मोल भी किसका होगा, आयन का होगा, और ये नंबर इलेक्ट्रॉन का है तो ये मोल भी किसके होंगे, इलेक्ट्रॉन के होंगे, ये पॉइंट ध्यान रखना है।
तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स को एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा, नंबर ऑफ मोल्स मिलेगा। जिस स्पेसिस का, जिस पार्टिकल का नंबर है, मोल भी उसी पार्टिकल का होगा। नंबर एटम का, मोल भी एटम का। नंबर आयन का, मोल भी आयन का। और नंबर इलेक्ट्रॉन का, तो मोल भी किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का होगा। तो ये इतने मोल क्या हो जाएंगे, एटम्स हो जाएंगे। इतने मोल ये क्या हो जाएगा हम लोग का, आयन्स हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, इतने मोल हम लोग के इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो इस फॉर्मूला को बड़ा अच्छे से ध्यान में रखना है। अब हम लोग आते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम पर। आगे प्रोसीड करने से पहले दो बातें हम लोगों ने पढ़ा है, एक मोल का डिफिनीशन, दूसरा कौन सा हम लोग, एवोगाड्रो नंबर। तो हम लोग आते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स पर। हम लोग आते हैं क्वेश्चंस पर। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन लिया गया है, ये पहला क्वेश्चन। हम लोग कोई टफ क्वेश्चन से स्टार्टिंग नहीं करें, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसे आप लोग भी खुद बना सकते हैं। तो मैं तो यही बोलूँगा कि इस क्वेश्चंस को आप खुद बनाएं। क्वेश्चंस को मैं समझा देता हूँ। इफ़ रुपीज़ 10 लाख, 10 लाख रुपये बोला जा रहा है, इज स्पेंट पर सेकेंड, पर सेकेंड, एक सेकेंड में 10 लाख रुपये खर्च किए जा रहे हैं, खर्च किया जाता है, देन हाउ मैनी सेकेंड्स वुड इट टेक, कितना सेकेंड का समय लगेगा टू स्पेंड एवोगाड्रो नंबर ऑफ रुपीज। तो अगर शॉर्ट में क्वेश्चन को समझाया जाए तो हम लोग जो स्पेंड कर रहे हैं, कितना स्पेंड कर रहे हैं, तो 10^6 इतने रुपीज हम लोग एक्सपेंड कर रहे हैं पर सेकेंड। एक सेकेंड में इतना रुपया हम लोग स्पेंड कर रहे हैं, 10 लाख, 10^6 रुपीज हम लोग खर्च कर रहे हैं। एवोगाड्रो नंबर ऑफ रुपीज हम लोग को इतना खर्च करना है, 6.02।